हाँ होगी शॉपिंग है। सही दिख रही है, बोल तो अब सही है एकदम कैमरा। सूरतगढ़ चले जाना है दिवाली के लिए, तो हमने सोचा क्या हम चलें। तू यार नर्वस हो रही है मुझे लग रहा है। Hey guys, welcome back to our new vlog, और आज हम आए हैं मार्केट। मुर्जी बोल ले, इतना डीप नहीं जाना होता। चल ठीक है, वापस पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। अब तेरा कैमरा उधर हो रहा है, ये बता दूं। दिखाऊं आपको एक मार्केट का नजारा। आज धनतेरस है, आज धनतेरस है, तो आज भीड़ भी बहुत है। अरे पागल, ये बात बोल बेन कि आप लोगों को एक नई चीज दिखाती हूँ, सनी का न्यू अवतार, जो उस ब्लॉग में सब कुछ सबसे नया होगा। ये ब्लॉग मेरे बाल, इतने देर में तो मेरा हाथ ही दुखने लग गया। तो तेरे को पता नहीं अपने ब्लॉग में स्पेशल क्या होना चाहिए। बाल तो मैंने गंडा रोटा तो हुआ पड़ा हूँ मैं। उलझा, ये तो अपने वीडियो शूट कर रही है, तेरे को लाइव नहीं देख रहा कोई भी। हाँ सही बात है यार, मुझे कौन देख रहा है, क्यों कॉन्शियस हो रही है। Hey guys, welcome back to our new vlog, और आज मैं आपको एक ऐसा अवतार दिखाने वाली हूँ सनी का, जो आप देखोगे तो आपको लास्ट व्लॉग में दिखा। हम बोल रहे थे कि आज एक नया कुछ हम एंड में दिखाएंगे, कुछ नया लुक दिखाएंगे सनी का, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। इधर करो मुंह, आइडिया तो हो गया होगा सबको। आइडिया तो होना ही है, बट somehow अच्छा लग रहा है ना, कि अच्छा लग रहा है। आप पे जच रहा है तो ठीक है, तेरे को ठीक लग रहा है। पर ये देखो मम्मी, मम्मी बताएगी क्या लग रहा है। मम्मी तो बोल रही होगी, मम्मी नहीं कभी बताऊंगी ये चंगा लग रहा है। मम्मी कभी नहीं कहेगी कि अच्छा लग रहा है, तो पाके चंगी लग रही है। जब मैं ये हेयर कट करवा रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा डर था योगिता का ही, कि मैंने कहा बोलेगी तो ये अपने हेयर करवा रही थी, तो मेरे को टाइम था, तो मैंने कहा चलो, तो वो कहता यहीं पे बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं कैबिन में लेके जा, कैबिन में जाके उसने मेरा ये हेयर कट किया। पर बीच में मैं आके देखने लग गई, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन इसको आइडिया नहीं था कि ये मेरे कि ये होने वाला है, सूट कर जाएगा, इसको आइडिया नहीं था। अगर मैं इसको पहले बोलता ये कभी ना करवाने देती, लेकिन मेरे पे सूट कर गया, तो मेरे से था कि करके दिखाऊं, जो होना हो जाएगा, देखी जाएगी यार। सबसे बड़ी खासियत तो इन बालों की ये है कि टाइम बहुत बचता है तुम्हारा, तुमने कहीं भी तैयार होके जाना है तो ड्रायर नहीं करने पड़ते, हेयर वो झंझट सब खत्म, बस उठो मुंह धो नहाओ और चले जाओ। कई कई लोग तो नहाते भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करते, सब बस उठते हैं और अपना एक वो प्रोटीन पीते हैं और चले जाते हैं। आज मैं नहाया नहीं हूँ, ब्रश तो किया यार मैंने, तो क्या यार कई बार हो जाता है, तो मेरे मुंह में स्मेल ही नहीं आती। तो मैं कह रही हूँ लोग तो करवाते हैं, सर्दियों में बाल लंबे करते हैं और गर्मियों में छोटे करते हैं, ये सर्दियों में छोटे कर लिए। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, बारिश हो रही है और अभी बज रहे हैं 3:30। यार भूख लग रही है, मम्मी क्या खाए, मर्जी खाना कुछ तो बताओ। खाओगे मैं खा लूं, आपको क्या खाना बताओ, मेरे को सही बताओ ना, अभी भूख लग नहीं रही इतनी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सिर्फ एक कॉफी पी हुई है सुबह 9 बजे की। मेरे अंडे ले आती तू, बस 5 अंडे घर पे बॉईल हुए थे, एक बार मुझे याद तो दिलाते। अब क्या खाऊंगा, धक्के धक्के तो खा ही रहे, धक्के नहीं खा रहे, धक्के नहीं खा रहे, आज शॉपिंग करवा रही है, कोई नहीं धक्के खा रहे। है मम्मा ताडे व्याह तो बाद मतलब तानू आ लग्या सीगा भी यार, ये तो पहला ठीक सी ना, पहले सी जीवन साथी जीवन साथी से थी कोई नहीं आ। हां हुन ते ओही गल जे तू माता वाली जे तारा गलत जुड़ गया, तो पटाके ही पटाके आ। हां तो पटाके ही पैंदे आ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਮੀਰਗੜ੍ਹ ਸੀ ਤੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮਾਮ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮੇ ਥੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੇ ਥੇ, ਤੋ ਮੰਮੀ ਕਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਘਰ ਸੇ ਰਿਚ ਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਆ, ਔਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਘਰ ਮਿਲਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸ घर के हिसाब से ढल गई मॉम, बढ़िया है, आजकल नहीं ढलते, आजकल मुश्किल हो जाता है काटना, बात वही आती है सहनशीलता वाली, लेकिन हालातों को समझना चाहिए अपने आसपास के, मतलब जो हमारे किस डिसीजन से किसी के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मम्मा ऐसे दुआबा स्वीट है, डोसा खाओगे, डोसा खा सकते ना, तुम डोसा बहुत ऑब्वियसली मम्मी के लिए तो हेल्दी है, तेरा फेवरेट है ना दुआबा स्वीट।
ये सारी भाई सेक्टर की वो वाली मार्केट, ये ज्वेलरी वाली शॉप, ज्वेलरी मार्केट है। हाँ। उन्हें थोड़े आई नहीं यार, इस पार्क में जगह ही नहीं मिलनी, दो बस सीट वाली में गाड़ी कहाँ लगाएंगे। आज तो वही माड़ी होगी, पार्किंग लगाने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे। उसको डोसा लेने भेजा, मैंने कहा मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ, मेरे को पुलिस वाले ने यूटर्न नहीं मारने दिया। 7-8 किलोमीटर का राउंड मार के आया हूँ मैं पूरा घूम के, इतना रश है आज। फिर एक वो पुलिस वाला खड़ा था, मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि मैं इसके बोनेट पे रख लेती हूँ कार के प्लेट्स, और एक मैं उस भाई के पास ही छोड़ाई जो बाहर वो मिठाई रखते हैं। मैंने कहा भैया ये यहाँ वेट कर रहा है, वो बस में आ रही हूँ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको पार्किंग अच्छी मिल गई, अभी लकीली मिल गई, पार्किंग है ही नहीं। देख लो भाई धनतेरस का माहौल, है टाइम, डोंट वरी, अभी ट्राई नहीं है। अरे एक सेकंड में कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं ट्राई नहीं कर सकते। हाँ। ऐसे थोड़ी पता लगेगा यार, बस ऐसे ही पता लगता है। हाँ होगी शॉपिंग है, बस यार चप्पल रहेगी, पर अब चप्पल का मौसम नहीं है ना, अब मेरे पास सैंडल। हाँ चले फिर निकले, अच्छा हम जाना है क्या है? ट्रैफिक देख लो भाई कितना। तुम हम मर्जनी दा टोंडर ते हाथ पे रोडे एक तो करा ली ओदा दी काले मुंह आया कि उस तरह ना फरा दी सारे किदां वे लगा पिया वाल ढाई रह गए सर ते हजे भी उन्होंने मैं वाल कराऊं। ये ढाई है वाल नहीं ता ढाई करोड़ है, ढाई ढाई करोड़ हो गए होंगे ना। के था भाई माने को नहीं था, और एक्टिंग मत कर जाओ ठीक है। अभी आप आईडी लगाइए वहां पे हैं हम, हैं बस के स्लीपर में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और योगिता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन के बारे में कुछ भी? आज बस अच्छा निकला दिन, हमने शॉपिंग। अच्छा एक सबसे बड़ी बात, सॉरी योगिता पूरे एक साल के बाद अपने घर पे जा रही है, सूरतगढ़ दोनों घर ससुराल और मायका इसका एक ही शहर में है, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। मैं एक साल बाद जा रही हूँ बहू, जो कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है। हाँ। मेरे लिए और मुझे तो स्लीपर में बैठ के बड़ा अजीब लग रहा है कि यार मैं तो कितने टाइम बाद बैठ रही हूँ मैं। और इसने बस का सफर आई थिंक कोई दो तीन साल बाद किया, मतलब आई मीन टू से इसको याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि इसने लास्ट टाइम कब बस में गाड़ी में हम गए थे सूरतगढ़ पिछले साल। कैसा लग रहा है तेरे को? सही प्रेशर लग रहा है, घुटनों में? नहीं नहीं सही है, मतलब कितना मजा आने वाला है, इतने टाइम बाद में जा रहे हो और ऐसे इतने ज्यादा दिन मिल गए हैं, शुक्र है इतने ज्यादा दिन मिल गए। लकीली पता नहीं वो छुट्टियां ऐड होगी थैंक्सगिविंग डे की यूएस में, तो वो बस ऐड होगी, और कुछ मेरी मैंने ली नहीं थी लीव सिर्फ इस करके कि मैंने जाना था कि भाई मैंने सूरतगढ़ जाना होता तो मुझे ये होता है कि मेरे पास जितने लीव्स इकट्ठी हो सके मैं कर लूँ, ताकि मुझे कोई बाद में दिक्कत ना हो कि हाँ ठीक है मेरे पास है छुट्टियाँ पड़ी हैं। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ और रात के तकरीबन 10 मान सकते हो आप, 10 बज चुके हैं और मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से, पूरे दिन में मतलब मैंने सारा दिन को मार्केट घुमाई है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, वो मेरा कल होगा आपका शायद 3 दिन बाद आए, तो तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, कर दे।